इंडिया जर्मनी के बीच ये मैच खेला जा रहा है जो दिल्ली के अंदर और मेजर ध्यानचंद इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में, और ये शानदार मैच देखने को मिलेगा जो दिल्ली के अंदर काफ़ी प्रशंसक हैं हॉकी फैंस जो पूरी सपोर्ट करते हुए हॉकी इंडिया को। और बता दें ये मैच स्टार्ट होता हुआ फर्स्ट क्वार्टर का, इंडिया वेस्ट ग्रेट ब्रिटेन, जो बता दें हाल में ही ग्रेट ब्रिटेन ने इंडिया को सेमीफाइनल मैच में ओलंपिक्स का पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में जो 3-2 से इंडिया को हराया था, इस मैच में शानदार काउंटर अटैक आता हुआ जर्मनी की ओर से, बहुत बेहतरीन गोल जो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन गोल आता हुआ चौथे ही मिनट में हेनरिक मेंडेजा का, जो बहुत बेहतरीन गोल आता हुआ जो लेफ्ट साइड से काउंटर अटैक था निश्चित तौर पर रिमाउंड पर हेनरिक मेंडेजा जो चौथे मिनट में शानदार गोल करते हुए, एक बार ग्रेट ब्रिटेन का फिर से दोबारा काउंटर अटैक आता हुआ और राइट फ्लैंक से एक पेनाल्टी कॉर्नर मिलता हुआ इंडिया की ओर से डबल बैटरी के साथ ही, और ये इंडिया की ओर से बन सकता है गोल का चांस। शानदार बचाव जर्मनी की ओर से, अभी भी स्कोर 1-0 का है फर्स्ट क्वार्टर के बाद जो जर्मनी की ओर से हेनरिक मेंडेजा ने चौथे मिनट में शानदार रिमाउंड पर गोल कर 1-0 की बढ़त बना रखी है जो इंडिया काउंटर अटैक पर जो बार रोटेशन के साथ खेलते हो राइट फ्लाइंग से काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हुए इंडिया, हार्दिक सिंह के पास बॉल और शानदार, और ये जर्मनी राइट फ्लाइंग से दोबारा काउंटर अटैक बन सकता है पर अभी भी गोल नहीं है और इंडिया के पास इन, और ये पेनाल्टी का ना डबल बैटरी के साथ ये वेरिएशन यूज करते हुए संजय जो गोल पोस्ट के बाहर, और अभी भी इंडिया के पास अच्छा चांस था, देख सकते हैं कैप्टन हरमनप्रीत सिंह का बहुत बेहतरीन वेरिएशन था और बहुत गोल पोस्ट से बाहर, और एक और पेनाल्टी कॉर्नर शानदार बचाव, और अभी भी जर्मनी के पास 1-0 की बढ़त जो सेकेंड क्वार्टर का, इंडिया को इस समय डबल बैटरी के साथ अमित रोहिदास और हरमनप्रीत सिंह, एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिलता हुआ जो जर्मनी का फर्स्ट रसर की, और ये राइट लेफ्ट बार रोटेट होते हुए निश्चित तौर पर जर्मनी का लगातार काउंटर अटैक, एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिलता हुआ शानदार बचाव और बेहतरीन गोल, ये पीसी में आता हुआ लुक्सो विंड फेंडरा द्वारा शानदार गोल 230वें मिनट में, देख सकते हो एक बहुत बेहतरीन गोल जो जर्मनी के पास 2-0 की बढ़त हो चुकी है हाफ टाइम के बाद, जो सेकंड क्वार्टर का मैच समाप्त होते हुए जर्मनी के पास 2-0 की बढ़त है निश्चित तौर पर इंडिया की ओर से, अभी भी 2-0 से पिछड़ रहे इंडिया, जो पेनाल्टी कॉर्नर बहुत से मिले इंडिया को 4 और गोल करने की कोशिश थी पर अभी भी काउंटर अटैक पे जर्मनी लगातार काउंटर अटैक करता है, एक पेनाल्टी कॉर्नर जिसमें इंडिया को चांस हो सकता है गोल करने का, शानदार बचाव जर्मनी के गोलकीपर द्वारा, बहुत बेहतरीन बचाव आता हुआ और एक पेनाल्टी कॉर्नर आता हुआ, देख सकते हो इंडिया को उस इंजेक्टर और ट्रैपर बहुत बेहतरीन तरह से जो बहुत बेहतरीन बचाव करते हुए जर्मनी के गोलकीपर, और एक बहुत बेहतरीन ड्रैग फ्लिक कैप्टन हरमनप्रीत सिंह द्वारा बहुत बेहतरीन बचाव आता हुआ, एक काउंटर अटैक बन सकता है जर्मनी की ओर से, और देख सकते हो एक पेनाल्टी कॉर्नर और आता हुआ और इस समय शानदार बचाव आता हुआ हॉकी इंडिया गोलकीपर द्वारा, और 23 यार्ड मिलती हुई इंडिया टीम्स को, और ये बहुत बेहतरीन स्किल्स और ये शानदार गोल हो सकता है बेहतरीन टोमाहॉक शॉट पर गोल पोस्ट से बाहर, इंडिया लगातार काउंटर अटैक करती हुई शानदार बचाव आता हुआ, और इस समय
थर्ड क्वार्टर का मैच समाप्त होता हुआ अभी भी स्कोर 2-0 का है, जो इंडिया को बहुत शानदार मौका था जो गोल करने का, अभी भी 2-0 की बढ़त है। और इस समय ये काउंटर अटैक जर्मनी की ओर से, जर्मनी रोटेशन के साथ खेलती हुई एक और लेफ्ट फ्लाइंग पे बाल को शिफ्ट करते हुए, और ये बहुत बेहतरीन स्लैप शॉट और डिफ्लेक्शन की कोशिश जर्मनी खिलाड़ी द्वारा, देख सकते हो। और इंडिया का अभी भी इंडिया 2-0 से पिछड़ रही है, बहुत बेहतरीन स्किल कैप्टन हरमनप्रीत सिंह द्वारा। और अभी भी ये शानदार गोल करने का चांस हो सकता है, बहुत बेहतरीन रिमाउंड मिला था, अब देखते हैं वहाँ पर। और कैप्टन हरमनप्रीत सिंह का एक बहुत बेहतरीन स्लैप शॉट आता हुआ, डिफ्लेक्शन कोशिश थी, पर अभी भी मैच समाप्त होता हुआ